सिनेमा और राजनीति दोनों में बड़ा पुराना नाता है। राजनीति में लगातार हो रही फिल्मी सितारों की एंट्री इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना रही है। जाहिर सी बात है, दिलचस्प है तभी तो सनी देओल से लेकर उर्मिला मातोंडकर हो या निरहुआ और रवि किशन जैसे भोजपुरी एक्टर या फिर मशहूर गायक हंसराज हंस, जो शायद अपनी गायकी के जरिए जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, लोकतंत्र लेकर हाजिर हूं मैं आपकी साथी फरहा सदीकी। लोकतंत्र में आज बात करेंगे 80 के दशक से ही फिल्मी सितारों ने कैसे राजनीति की दुनिया में कदम रखना शुरू किया था, क्या इनके राजनीति में लाने के पीछे इनके जीतने की क्षमता को अहम माना गया या फिर अपनी पार्टी के नेताओं को दरकिनार कर पार्टियां इन फिल्मी सितारों के जरिए अपने सितारे चमका पाएंगे। हालांकि फिल्मी सितारों को राजनीति में लाने की शुरुआत की थी कांग्रेस ने, लेकिन उसके बाद तो जैसे ये भारतीय राजनीति का दस्तूर सा बन गया। कांग्रेस के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस इसे नई ऊंचाई पर ले गए। कहना ये भी गलत नहीं होगा कि इस ग्लैमर ब्रिगेड ने लोकसभा चुनाव में फ्लॉप से ज्यादा हिट दिए, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टियों ने इन पर ज्यादा भरोसा दिखाया। लेकिन एक सच ये भी है कि संसद में इनका प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा। कई सितारे या तो सत्र में मौजूद ही नहीं रहते, और जो रहते भी हैं वो कार्रवाई के वक्त एकदम चुप ही रहते हैं, क्योंकि शायद उनके पास बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो नहीं रहती। सितारे आज से नहीं बल्कि 1967 से राजनीति में अपनी किस्मत आजमाते रहे हैं, और इस चलन को कांग्रेस ने शुरू किया, जिसे बीजेपी और फिर टीएमसी ने आगे बढ़ाया। सबसे पहले तेलुगु स्टार कोंगारा अंगिया पहले ऐसे फिल्मी सितारे कहे जाते हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। वो करीब 80,000 वोटों से आंध्र प्रदेश के ओंगोल सीट से जीते थे। कहा तो ये भी जाता है कि ये चुनाव उन्होंने बिना प्रचार के ही जीत लिया था। वहीं राजीव गांधी के वक्त में हुए चुनाव में तीन बड़े फिल्मी सितारों ने कांग्रेस का हाथ थामा। इसमें अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से, सुनील दत्त ने नॉर्थ वेस्ट बॉम्बे से, तो वैजयंती माला ने मद्रास साउथ से जीतकर कांग्रेस के हाथ को मजबूत किया था। इतना ही नहीं, इन तीनों फिल्मी सितारों ने चुनाव में जीतकर नए रिकॉर्ड्स बनाए थे। फिर एक दौर मंडल कमंडल की आंधी का दौर था, जब राजेश खन्ना ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा। नई दिल्ली से उन्हें लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया। मुकाबला कड़ा था और आडवाणी सिर्फ 1589 वोटों से ही जीत पाए थे। ज्यादातर फिल्म स्टार्स जब करियर के ढलान पर होते हैं तब राजनीति का दामन थामते हैं, ताकि भीड़ से घिरे रहें और लाइम लाइट में बने रहें। सितारों के माथे पर चिंता की लकीरें तब उभर आती हैं जब वो तन्हा होने लगते हैं। लोगों की सेवा का भाव लेकर राजनीति में शामिल होने वाले सितारे बेहद ऐसी कम उनकी तादाद है जो लोगों की वाकई में सेवा करते हैं। आजकल तो ये एक ट्रेंड सा बना लिया गया है। इस बार के चुनावी समर की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव 2019 में कई फिल्मी सितारों ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर ली है। उर्मिला मातोंडकर और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बाद सियासत के फलक पर एक और फिल्मी सितारा चमकने के लिए अब बीजेपी का दामन थाम चुका है। पिता धर्मेंद्र और माँ हेमा मालिनी के बाद अब सनी देओल राजनीति में अपनी पारी शुरू करने जा रहे हैं। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सनी देओल के लिए सियासत की ये पहली लड़ाई जो इतनी आसान नहीं रहने वाली। कुछ वजहों से सनी देओल के लिए गुरदासपुर की ये लड़ाई मुश्किल भरी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ ही जयप्रदा, स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो के साथ भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस के टिकट पर रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर, राज बब्बर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इनके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से मुनमुन सेन, शताब्दी राय और नुसरत जहां भी चुनावी समर में किस्मत आजमा रही हैं। इन सितारों के साथ ही चरित्र अभिनेता प्रकाश राज भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, और मिमी चक्रवर्ती जादवपुर से उन अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव की तो बीजेपी ने हेमा मालिनी, किरण खैर, बप्पी लहरी, बाबुल सुप्रियो, परेश रावल, मनोज तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा और जॉय बनर्जी को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस ने राज बब्बर, नगमा और रवि किशन को टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से गुलपनाग को मैदान में उतारा गया तो तृणमूल कांग्रेस ने फिल्मी सितारों की लाइन लगा दी। कांग्रेस ने क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और मोहम्मद कैफ को भी टिकट दिया था। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कौन कौन से दिग्गज आए राजनीति में।
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर के साथ राजनीति में भी कदम रखा। अमिताभ ने राजीव गांधी से अच्छी दोस्ती होने के वजह से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद सीट से 8वें आम चुनाव में वहां के पूर्व प्रधानमंत्री HN बहुगुणा को भारी वोटों से हराया था, लेकिन राजनीति में आने के 3 साल बाद ही उन्हें मालूम हुआ कि एक्टिंग ही उनका असली प्यार है और इन्होंने राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वहीं अगर बात करें अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाले एक्टर धर्मेंद्र की, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा और वही पहचान हासिल की जो उन्हें उनकी फिल्मों के जरिए मिली थी। उन्होंने राजस्थान के बीकानेर सीट से आम चुनाव जीता और वहां के सांसद भी चुने गए थे। बात करें गोविंदा की, तो एक्टर के साथ एक बेहतरीन कॉमेडियन भी हैं गोविंदा। इन्होंने अपने दौर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन अचानक करियर डूबता देख गोविंदा ने राजनीति में हाथ आजमाया। गोविंदा ने साल 2004 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और 5 सालों तक बतौर सांसद पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन अपने फिल्मों की तरह वो राजनीति में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। शायद इसीलिए साल 2009 में राजनीति से अपने आप को बाहर निकाल लिया और एक बार फिर से दोबारा से उन्होंने फिल्मों का रुख किया। बात अगर हम करें ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी की, तो हेमा मालिनी ने फिल्मों के बाद राजनीति में हिस्सा लिया। ये विनोद खन्ना के लिए प्रचार करते वक्त पहली बार राजनीति में उतरी थी। उच्च सदन में राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं हेमा मालिनी। लोकसभा चुनाव में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी इस बार मथुरा से ताल ठोक रही हैं। बात करें अगर जयललिता की, तो राजनीति में आने से पहले जयललिता तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़ और एक हिंदी और एक अंग्रेजी फिल्म में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र में ही कन्नड़ फिल्मों में अभिनेत्री की भूमिकाएं करनी शुरू कर दी थी। MG रामचंद्रन का साथ मिला और वो दक्षिण भारतीय राजनीति दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की महासचिव बन गई। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 में हुआ था। वो 1991 से 96, 2001, 2002 से 2006 तक और 2001 से 2014 तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। बात करें अगर जया बच्चन की, तो एक बेहतरीन अदाकारा जया बच्चन, जिन्होंने फिल्म गुड्डी में कुसुम बनकर और चुपके चुपके में वसुधा बनकर सभी को हैरान कर दिया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इनके बेहतरीन काम के लिए काफ़ी तारीफ और कई सारे अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। फिल्मों में करियर बनाने के बाद जया बच्चन ने उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और लंबे वक्त तक पार्टी से जुड़े रहने के बाद राज्यसभा सदस्य के तौर पर राज्यसभा में एंट्री ले ली। अपने दौर की सबसे सफल हीरोइन जयप्रदा सफल फिल्मी करियर के बाद इन्होंने 1994 में अपने करीबी दोस्त एंटी रामराव के कहने पर तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की। बाद में इनसे नाता तोड़ लिया। इसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और भारी वोटों से रामपुर विधानसभा चुनाव जीत गई, लेकिन समाजवादी पार्टी से हुए कुछ मनभेदों की वजह से उसे छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और अब कभी अपने सहयोगी रहे आजम खान के सामने चुनावी मैदान में है जयप्रदा। राज बब्बर, जो बॉलीवुड के साथ राजनीति में भी कामयाब नेता और अभिनेता के तौर पर देखे जाते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल हैं। इस वक्त ये उत्तर प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष हैं और पार्टी को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस बार फतेहपुर सीकरी से चुनावी मैदान में। अगर पुराने अभिनेता राजेश खन्ना की हम बात करें, तो राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और 1992 से 1996 तक नई दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए थे। पार्टी से जुड़े रहने के दौरान इन्होंने फिल्मों से दूरी बनाए रखी और पार्टी छोड़ने के बाद एक कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय रहे।
तो बता दें आपको कि राजेश खन्ना का भी अच्छा खासा राजनीतिक रिकॉर्ड रहा। और फिल्मों में विलेन के बाद हीरो के रोल करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा अपने अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं। यह अनोखा अंदाज सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि इनके राजनीतिक करियर में भी दिखाई देता है। शत्रुघ्न ने 80 के दशक में ही भारतीय जनता पार्टी में कदम रख लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री रहे। शत्रुघ्न सिर्फ फिल्मी करियर में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी एक सफल नेता बनकर उभरे। इन्होंने बिहार के पटना में शेखर सुमन को कई लाख वोटों से पछाड़कर वहां के लोगों का विश्वास जीत लिया। इस बार शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पटना साहिब से चुनावी मैदान में हैं। इसके पहले वो बतौर भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा में पटना साहिब का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वो केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनके बजाय केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया, तो उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कहने में देर नहीं लगाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी, फिर वो टेलीविजन में आई, क्योंकि सास भी कभी बहू टेली शो के जरिए वो भारत के हर घर तक पहुंची। 2003 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। 2004 में वो महाराष्ट्र यूथ विंग की उपाध्यक्ष चुनी गई। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर बनी। अब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर वो कांग्रेस के गढ़ यानी अमेठी में राहुल गांधी को ललकार रही हैं। तो राहुल गांधी को अच्छी खासी चुनौती देती नजर आ रही हैं स्मृति ईरानी। बात करें सुनील दत्त की, तो एक ऐसे कलाकार रहे जो राजनीति में सबसे सक्सेसफुल माने जाते हैं। सुनील दत्त ने अपना पहला चुनाव 1984 में मशहूर वकील राम जेठमलानी के खिलाफ लड़ा था। सुनील दत्त ने इस चुनाव में जेठमलानी को शिकस्त दी। सुनील दत्त 5 बार सांसद रहे। 2014-4 में उन्हें खेल और युवा मामलों का मंत्री भी बनाया गया था और जनता के बीच उनकी अच्छी खासी पहुंच थी। बात करें हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सनी देओल के लिए, तो उनके लिए सियासत की यह पहली लड़ाई है जो इतनी आसान नहीं रहने वाली। वैसे तो राजनीतिक इतिहास बताता है कि उनके परिवार के सदस्यों ने जहां जहां से चुनाव लड़ा, जनता ने उनको सिर माथे पर बिठाया। फिर चाहे 2014 में बीकानेर से चुनाव जीतने वाले धर्मेंद्र हों या मथुरा से 2014 में चुनाव जीतने वाली उनकी माँ हेमा मालिनी। बावजूद इसके कुछ वजहों से सनी देओल के लिए गुरदासपुर की ये लड़ाई मुश्किल भरी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी से ही वो आ गए हैं कांग्रेस के निशाने पर। कांग्रेस ने देओल को मैदान में उतारने पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब लोग नौकरियां चाहते हैं, इंडस्ट्री चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। लोगों में जागरूकता आ चुकी है, लोग फिल्मी चेहरे देखकर अब वोट नहीं देते हैं। बात करें अगर एक पुराने अभिनेता विनोद खन्ना की, तो 1997 में भारतीय जनता पार्टी का हाथ उन्होंने थामा और विनोद गुरदासपुर सीट से चुनाव जीते। उसके बाद ये पार्टी के बड़े नेता के तौर पर गिने जाने लगे थे। तो राजनीति में फिल्मी सितारों का शामिल होना कोई आज की बात नहीं है, बल्कि शुरुआत इसकी कांग्रेस ने की थी, जिसको बढ़ावा दे रही हैं अब तमाम राजनीतिक पार्टियां। और आज इसी को लेकर कई सवाल हैं हमारे पास, जिनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से मानवेंद्र सिंह, तो समाजवादी पार्टी से शौकत अली और प्रसपा से इरफान मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सबसे पहले मेरे बहुत बहुत स्वागत मेरे तमाम मेहमानों का। मानवेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आजकल जिस तरह से फिल्मी सितारों की राजनीति में एंट्री हो रही है, वो भी काफी तेजी के साथ, उस पर क्या है आपकी राय, क्या कहेंगे उस पर? फराह जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी फराह जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। फराह जी, एक चीज बताइए, आप भी तो एक कलाकार हो, हर इंसान में एक कलाकार छुपा है और ये देश सबका है, तो अगर वाकई में अभिनेता है और वो देश की सेवा कर सकता है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। मानवेंद्र जी, मैं लीडर्स की बात कर रही हूँ, क्या नेताओं की कमी थी, उन नेताओं की जो जनता के लिए काम करे, जो अभिनेताओं को अभिनेत्रियों को लाया जा रहा है राजनीति में, क्या नेता कम पड़ गए थे?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं फराज जी। देखिए, ये इतना बड़ा देश है, अगर यहाँ नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर कोई जो है अभिनेता अगर आता है देश की सेवा करने के लिए, तो उसको मौका मिलना चाहिए, बाकी जनता निर्धारित करे क्या सही क्या गलत। लेकिन लेकिन क्या उनके फेम को भुनाने के लिए भुनाने की कोशिश नहीं कही जा सकती इसको राजनीतिक दल की, क्योंकि लगातार जिस तरह से अभिनेताओं की अभिनेत्रियों की इसमें एंट्री हो रही है, कहीं ना कहीं जनता उनके नाम पे उनके चेहरे पर वोट देगी, ये तो नहीं सोच रहे राजनीतिक दल? नहीं फराजी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हमारी देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और वो समझती है क्या सही क्या गलत, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है जनता के बीच वो लोग कभी गए नहीं, अच्छी हाई प्रोफाइल जिंदगी वो जीते हैं, क्या जनता की जो परेशानियां हैं उनसे वाकिफ हो पाएंगे ये लोग? पराजी, ऐसा नहीं है कि जनता के बीच में गए नहीं है, जनता के बीच में गए हैं, सब एक तरह के नहीं है। मैं किसी का नाम विशेष लेके बात नहीं करूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि आज भी हमारे इंडस्ट्री में ऐसे कलाकार हैं जो देश की सेवा बहुत करते हैं। हमारे, मैं उदाहरण लूंगा, जो पार्टी में नहीं आए हैं या कोई राजनीति में नहीं उतरे हैं, अक्षय कुमार जी के लिए वो कितनी देश की सेवा करते हैं, सैनिकों की कितनी सेवा करते हैं। नहीं तो वो देश की सेवा करते हैं, सैनिकों की करते हैं, वो तो राजनीति में नहीं आए। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं, हेमा मालिनी की अगर हम बात कर लें तो खेतों में जाने से क्या किसानों की परेशानियां पता लग गई? इससे पहले तो कभी 5 साल में वो खेतों में नजर नहीं आई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हेमा मालिनी जी जो है बराबर संपर्क में रहती है, जैसा मुझको जानकारी है वो बराबर संपर्क में रहती है। उनके इंस्टीट्यूट के लोग जो मथुरा के जितने लोग हैं वो बराबर जो है संपर्क में रहती है, मैं इस बात का खंडन करता हूं। मतलब आप समर्थन करते हैं कि नेताओं को जो बैकफुट पर किया जा रहा है, अभिनेताओं को आगे लाया जा रहा है, वो ठीक लगता है आपको? मेरे हिसाब से जो है इस देश का हर नागरिक जो देश की सेवा करना चाहे उसको मौका मिलना चाहिए, वो चाहे अभिनेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे जो हो। लेकिन क्या गोरखपुर में आपकी पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो जनता के बीच जाए, या कोई कार्यकर्ता नहीं था कि वहां से रवि किशन को मैदान में उतार दिया? देखिए, ऐसा नहीं कुछ है। रवि किशन जी जमीनी आदमी हैं, पार्टी ने उनको मौका दिया तो इसमें कोई बुराई नहीं, बाकी जनता फैसला करेगी। नहीं, अब तक फिल्मों में वो नजर आए थे, क्या राजनीति में कोई योगदान है आपकी नजर में उनका, बताइए। हाँ, राजनीति की आप बात कर रही हैं, मैं राजनीति से पहले मैं व्यक्तिगत लाइफ मानता हूं, क्योंकि व्यक्तिगत लाइफ में उन्होंने जो है पब्लिक के बीच में, उनका गौर करिएगा कभी, पब्लिक के लिए वो जमीनी है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो गौर करिएगा, मतलब वो जमीनी है? देखिए, मैं उदाहरण, तो क्या आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो जमीनी नहीं है? उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया जो हमेशा जनता के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करते हैं? क्यों नहीं किया फरहान जी, ये बताइए। सबसे पहला उदाहरण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे देश के बारे में सोचते हैं, सबका विकास सबका साथ। मानवेंद्र जी, हम यहाँ पर फिल्मी सितारों की बात कर रहे हैं, मोदी जी की तारीफ नहीं सुन रही हूँ मैं यहाँ पर अभी। आप पहले मुझे इस बात पर जवाब दीजिए फराजी जी। देखिए फराजी, सारी पार्टी मौका देती है, सब कोई ऐसी खाली बीजेपी नहीं, सब पार्टियां मौका देती हैं। मैं अभी और लोगों से भी सवाल करूंगी जो उनके पार्टी में जो फिल्मी सितारे शामिल हुए हैं, लेकिन अभी आपसे मेरा सवाल है जी। एक्चुअली क्या है कि हमारी पार्टी ऐसी है जो सबका साथ सबका विकास चाहती है और मौका देती है, तो फिर उन कार्यकर्ताओं को मौका क्यों नहीं देती पार्टी जो सालों साल तक आपका झंडा बुलंद करके चलते हैं, आपका झोला उठाते हैं? कृपया करके मेरी बात सुने, चाहे वो नेता हो अभिनेता हो, हमारी पार्टी ऐसी है कि अगर कहीं भी दुर्भाव की भावना से किसी ने काम किया तो उसको निकाल के बाहर कर देगी।
मानवेंद्र जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी में कोई ऐसा नेता कार्यकर्ता नहीं है कि पार्टी उसे चुनावी मैदान में उतारती। वो कार्यकर्ता भी होंगे जो पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात एक करते हैं, जो आपका झंडा बुलंद करके चलते हैं, आपका झोला उठा के चलते हैं, जैसे कि आप हैं। एक हमारी पार्टी ऐसी है जहां चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है, परिवारवाद नहीं चलता है। परिवारवाद की तो बात ही नहीं है मानवेंद्र जी, यहाँ तो फिल्मी सितारों की बात कर रहे हैं हम। क्या पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की इतनी कमी है? क्या फिल्मी सितारों को वो आगे कर रही है, चुनावी मैदान में उतार रही है, या फिर चुनाव जीतने का ही एक स्टंट है? नहीं, आप बार बार मुझसे फराजी ये जो है, आप बार बार मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं कि आपके, नहीं, मेरी पार्टी के पास कोई कमी नहीं है। तो पार्टी के पास कमी नहीं है तो नहीं, पार्टी के फराजी, पहली चीज, हमारी पार्टी में कोई नेता की कमी नहीं है, हमारी पार्टी पूरे देश की पार्टी है। इरफान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। और वो सबका साथ सबका विकास चाहती है। आप फराजी एक चीज बताइए। जी फराजी, फराजी कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी होती है, तभी ये ऐसा होता है। और ये कोई बुराई नहीं है कि कोई लीडरशिप ना करे या करे ना करे, कोई भारत में सबको आज़ादी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर सवाल उठता है कि यंगेस्ट में, यदि कोई उभरता हुआ सितारा जब जमीन पर चुनाव लड़ने आता है, तो बहुत सारे सवाल लाजमी भी हो जाते हैं। सवाल इसलिए लाजमी हो जाते हैं क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल का दायरा होता है, वो सबसे मिल नहीं सकते हैं, डायरेक्ट जनता से संवाद नहीं कर सकते हैं, तो काम करने में उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर मान लीजिए रवि किशन जी चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से, तो रवि किशन जी के साथ एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल का दायरा चल रहा होगा। वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे, कितनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे, और मान लीजिए 2-4-5 उपस्थिति दर्ज करा पाए तो अपनी आवाज कितना उठा पाएंगे, क्योंकि जनता से उनका डायरेक्ट संवाद नहीं होता है। क्योंकि कार्यकर्ता जितना बताएगा उतनी उनको जानकारी होगी, उससे अधिक जानकारी नहीं हो पाती, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जनता की परेशानी कैसे जानेंगे? क्योंकि हमने गोविंदा जी को भी चुनाव लड़ते देखा, मैं उस समय मुंबई में था, तो उनके बीच ये चीज देखने को मिलती थी हमको कि जितना ग्लैमर से वो चुनाव लड़े, क्योंकि सुन लीजिए फराजी, मैंने उनको भी चुनाव लड़ते देखा, जिस तरह वो ग्राउंड पे चुनाव लड़ रहे थे, तो हम भी क्योंकि छोटे थे, इतना ज्यादा समझ नहीं हुआ करती थी राजनीतिक, तो मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छी चीज है, एक स्टार हम लोग के बीच आ गया और जनता भावुकता में उनको वोट देके पार्लियामेंट भेजती। लेकिन हुआ रिजल्ट क्या, उसका उल्टा हुआ। पार्लियामेंट तो पहुंचे लेकिन जनता की बात करने के लिए नहीं, अपने सुख सुविधाओं के लिए 5 साल बाद वो चुनाव नहीं लड़ रहे। तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि उनका जब फिल्मी कैरियर दांव पे लगा तो वो राजनीति में आ गए, लेकिन फिल्मी कैरियर जैसे थोड़ा सा उठान पे हुआ, राजनीति को बायकॉट कर दिया, तो जनता उसमें पिस जाती है। ये बड़ा सवाल होता है कि जनता की जो बात करने वाला, अगर मान लीजिए कोई फिल्म स्टार आता है, लेकिन अगर सच में वो लगता है, जैसे अब राज बब्बर जी हैं, जया प्रदा जी हैं, या जया बच्चन जी हैं, और बहुत सारे फिल्म स्टार ऐसे हैं, ये रहे हैं कई बार जनता के बीच, पार्लियामेंट गए तो उन्होंने बात की है जनता की, तो ऐसे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो इनका स्वागत है, इसमें कोई कुरेद नहीं, हम इनका स्वागत करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, ऐसे लोग अगर आते हैं तो उनका स्वागत करना ही चाहिए, लेकिन जो एक्टिव है पॉलिटिक्स में उनकी तो बात नहीं हो रही है। शत्रुघ्न सिन्हा जी का बहुत लंबा कार्यकाल रहा और जनता के बीच वो लगातार निरंतर बने भी रहते हैं, संवाद करते रहते हैं। जी जी इरफान जी, आप भी कुछ कह रहे थे, इरफान मलिक कहिए, आपकी क्या राय इस पर? नहीं तो मैं अब जैसे दिनेश लाल निरहुआ जी चुनाव लड़ रहे हैं, अब क्या होगा अगर मान लीजिए गलती से जीत तो दूर दूर तक नहीं रहे, लेकिन गलती से वो पार्लियामेंट पहुंच जाए तो क्या करेंगे वो? ऐसा बड़ी विडंबना होगी, वो पार्लियामेंट जाएंगे ही नहीं, और जनता, अरे जनता तो उनको ऐसे भी नकार रही है, वैसे तो और नकार देगी, काम तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनको काम की अभी समझ नहीं है। देखिए बहुत सारी चीजें होती है, थोड़ा सा परिपक्व होना पड़ता है, राजनीति की समझ भी लानी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है। अब एक इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे आप, वहां काम कर रहे थे, आपको राजनीति में ला दिया गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है वहां पे। जी फरहा जी, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में ये जो फिल्मी स्टार्स जो आ रहे हैं, कलाकारों के लिए सुरक्षित है राज्यसभा में सीट, और तमाम राज्यसभा में कलाकारों के लिए और जो देश की सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए राज्यसभा में उच्च सदन में इन लोगों को भेजा जाता था। लेकिन ये जो कन्नड़ में अपनी सीट को बढ़ाने के लिए
और कलाकारों को जो ला करके, अब आप बताइए रवि किशन जी गोरखपुर में आए हैं, गोरखपुर के किसी भी समस्या एक भी गांव का वो नाम बता दें, गोरखपुर के 100 कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं का नगर वो नाम बता दें, नहीं बता सकते हैं जी। या हेमा मालिनी जी आज भी 5 साल सांसद रही है मथुरा की, लेकिन आज भी मथुरा में जब अब चुनाव लड़ना है तो फिर आई है, इसके बाद मथुरा नहीं आती थी वो। लेकिन ऐसे ही तमाम लोग जो है, अब सुनील दत्त जी थे तो बंबई में उनका अपना एक वो था, वो जनता के बीच में थे, राज बब्बर सांसद हुए तो वो लगातार जनता के बीच में थे। तो ऐसे लोग अगर कलाकार हैं और जो अपना सब कुछ है, फिर राजनीति में आने के बाद जनता के प्रति, राजनीति के प्रति, पार्टी के प्रति अगर समर्पित करते हैं तो स्वागत है, लेकिन सिर्फ उनका ग्लैमर चेहरा अगर बना करके और राजनीति में ला दिया जाए कि हमारी सीट जीत जाएगी, जनता को बेवकूफ। और सबसे बड़ी बात है, जब जो फिल्मी दुनिया के लोग जो चुनाव जीत करके जाते हैं, फिर वो जनता की समस्या से कटे रहते हैं, वो जब आते भी हैं क्षेत्र में तो 100 लोग 200 लोग जब भी आते हैं तो वो रोड शो करने के लिए आते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि किस गांव में नाली की जरूरत है, कि किस खेत में कहां पे खाद की जरूरत है, कहां पे किसकी जरूरत है, कहां पे ट्यूबवेल लगने की जरूरत है, किस जगह पे क्या समस्या है लोगों की। ऐसे लोग हाँ, उनके प्रतिनिधि के रूप में जो लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उसका कहीं ना कहीं दमन होता है, उस क्षेत्र में जो लोग राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं उनका दमन किया जाता है, वो सारी राजनीतिक पार्टियां जो इस तरह के लोग हैं वो इस तरह से कर रहे हैं जी। ये बहुत निंदनीय है। मैं इरफान मलिक जी की बात से सहमत नहीं, फराजी मुझको टाइम चाहिए जी। कहिए कहिए, लेकिन सही तो कहा है इरफान मलिक साहब ने, क्या गलत कहा है? जो जनता के बीच पहुंचेगा ही नहीं, वो आखिर जनता की परेशानियों को जानेगा कैसे? जब जानेगा नहीं तो हल कैसे करेगा? फराजी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। नहीं, मैं इस बात का खंडन कर रहा हूं, जैसे इरफान मलिक साहब ने जो है बोला कि राज बब्बर साहब जो है आते हैं पब्लिक के बीच में रहते हैं, ठीक है ना, वो कांग्रेस से जुड़े हैं, वो तो महागठबंधन नहीं, सपा से भी जुड़े थे तभी बात कर रहा हूँ मैं, सुनील दत्त की भी मैंने बात किया है, मैंने सुनील दत्त की बात किया है, बांद्रा में हमेशा वो अपने अपने लोगों से जुड़े रहते थे, वो समय निकाल करके बात करते थे। मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं, मैं मथुरा से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा हुआ हूँ, हेमा मालिनी जी बराबर संपर्क में रहती, आज भी हेमा मालिनी जी मथुरा के 100 गांव का अगर नाम बता दे, 100 कार्यकर्ताओं का अगर नाम बता दे टिप पे, तो मैं इनके बात से मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा। बिल्कुल गलत बात है, फराजी मैं सहमत नहीं हूं। फराजी मैं बताना चाहूंगा, एक दौर हम लोगों ने वो भी देखा था कि मथुरा में पोस्टर लगाए गए थे, हमारी सांसद गुमशुदा, अगर लगातार निरंतर जनता के बीच संवाद था तो पोस्टर कैसे लग गए? तो आज हेमा मालिनी जी मथुरा से सांसद रही, आप बता दीजिए कि पार्लियामेंट में कितनी बार उन्होंने मथुरा के जनता के लिए आवाज उठाया है, या जो भी कारण में लोग सांसद होकर के जाते हैं, जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं, आप कितने सवाल उठाते हैं? राहुल गांधी को अमेठी से क्यों भागना पड़ा? राहुल गांधी का पार्टी का कोई है नहीं वो बताता नहीं, है नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ भाई, वहाँ भी जो एक कलाकार है, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता होता तो वो बताता राहुल गांधी को क्यों? आप दोनों लोग स्वयं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के? नहीं बिल्कुल नहीं है, नहीं आपका प्रवक्ता हो गए कांग्रेस के, आप वो नहीं, बिल्कुल मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस भी कलाकार रख रहे हैं, स्मृति ईरानी भी कलाकार हैं, नहीं स्मृति ईरानी जी के बारे में हम लोग कही नहीं रहे, वो ग्राउंड पे है काम कर रही होंगी, हम ये तो नहीं कह रहे कि वो खराब है, हमने कहा ना जो व्यक्ति जनता से डायरेक्ट संवाद रखता है उसका स्वागत करते हैं हम, हम ये नहीं कहते हैं किसी का विरोध नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के विषय में जरूर कहना चाहूंगा, अगर दिनेश लाल निरहुआ जी या रवि किशन जी ये जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं इनका जनता से कितना संवाद होगा? अरे सही, मैं मलिक जी की बात से सहमत हूं कि वो कार्यकर्ता तो छोड़िए, सामने बैठे हुए के छोटे से या बड़े कार्यकर्ता का नाम लेने की बात आएगी, जब मंच पे बैठे होंगे तो ये जल्दी नाम नहीं ले पाएंगे। जी मैं सुन, ये आप बताइए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जिसके साथ जनता के साथ जो है ना हो संपर्क उसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए मैदान में, और चाहे जो हो तो, और इसीलिए इसीलिए कार्यकर्ता है, इसीलिए जो क्षेत्र के राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, जो अपना तन मन धन राजनीति के लिए निछावर करते हैं, जब कोई बीमार होता है तो उसको लेकर अस्पताल जाते हैं, किसी के लिए खड़े होते हैं, ऐसे लोगों का जिसमें अपमान है राजनीति का, इन लोगों को गोरखपुर में और आलागढ़ में या अन्य सीटों पे नेतृत्व की कमी है।
कोई व्यक्ति जो है वो राजनीति में क्यों संबंध से अपना बॉडी को करेगा, जब उसका मौका आता है तो उसको काट करके ऐसे लोगों को लाकर भी खड़ा कर दिया जाता है जिससे जनता का कोई स्वीकार भी नहीं रहता है, सरकार नहीं रहता है बिल्कुल। सवाल तो यही है, मैं किसी राजनीतिक एक पार्टी की बात नहीं कर रही, सभी पार्टियों की बात कर रही हूँ। आप जैसे जो नेता कार्यकर्ता है जो दिन रात मेहनत करते हैं, आखिर उन्हें कब मौका मिलेगा? अगर इस तरह से स्टाइल आएगा तो आप जनता के बीच ले आएंगे तो सदी के महानायक थे अमिताभ बच्चन जी, लेकिन राजनीति छोड़ना पड़ा। हमारी पार्टी वो भी नहीं जाते थे, वो जो हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी एक आदमी परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, ना वो मायावती की पार्टी है, ना अखिलेश यादव की पार्टी है जहाँ परिवारवाद चलता है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, वहाँ सबको जहाँ जो पार्टी कमेटी डिसाइड करती है उसका फैसला सर्वमान्य है और हम कार्यकर्ता मिलकर उसी में लगे रहते हैं। इंट्रोल हो गया है, हम आप ही के जैसे कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं जो दिन रात एक करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, खाना पानी सब छोड़ जाते हैं, अपनी गरीबी को भूल जाते हैं और आपके लिए काम करते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को कब मौका मिलेगा जो पार्टी के लिए जनता के लिए काम करते हैं? जब इस तरह से स्टाइल आइकन को जनता के बीच ले आया जाएगा तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता देश के लिए काम करते हैं, पद के लिए काम नहीं करते। भाई ये तो बड़ी हंसी की बात आ रही है। हाँ, राजनीतिक पार्टी के लोग देश के पद के लिए काम नहीं करते हैं। देखिए भाई साहब, सभी पार्टी के लोग करते हैं अपनी पार्टी के लिए काम, देश के लिए एक नाचा होती है ना बोल, सब के लिए नहीं बनी थी। फिर नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ? हमारे नरेंद्र मोदी जी को जो है जनता चुन रही है। कहाँ जनता चुन रही है? बिल्कुल आप देखिए, यही जनता चुन रही है कि सबको कहना जितने स्टार को लाकर राजनीतिक कार्यकर्ता है, हमारी इच्छा है राजनीति में कि सांसद बने, एमएलए बने। जी जी जी, मैं कह रही हूँ जहाँ से ये लोग आते हैं इन्होंने परेशानी गरीबी जनता की वो होती है, वो सब चीजें तो नहीं देखी। क्या कह रही हैं आप? आवाज नहीं आई मानवेंद्र जी। जनता की परेशानी, गरीबी, भुखमरी, ऐसे हालात का कभी सामना नहीं किया इन लोगों ने, तो आखिर समझ कैसे पाएंगे? और जो राजनीति में होती है बयानबाजी, हद दर्जे की बयानबाजी होती है, वो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? ये देखिए फराज जी, जो आपके यहाँ डिबेट चल रही है, हमें खुशी है आपके चैनल पे इतनी अच्छी डिबेट चल रही है जहाँ आपस में तकरार नहीं हो रही है, सब लोग आपस में एक दूसरे का जवाब दे रहे हैं, अपना अपना जवाब दे रहे हैं। इस बात की पहली चीज तो मुझे खुशी है आपके चैनल से इतनी अच्छी डिबेट हो रही है। तकरार करने के लिए हम डिबेट नहीं करते हैं, हम बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ये हमारा देश का सौभाग्य है जो ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, वो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भेदभाव नहीं करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बाकी वो नीचे से उठ के ऊपर आए और वो सबको जो है, आपने 5 साल में गौर किया, आप बताइए 65 साल में 11.5 करोड़ सिलेंडर और 5 साल में मोदी 12 करोड़ सिलेंडर। जो सिलेंडर मिला है वो सिलेंडर था, जो गरीब था वो अति गरीब हुआ है। इरफान भाई जहां जो सही है उसको तो कम से कम एक्सेप्ट करिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के एजेंसी बता रही है, आप सरकारी आंकड़ा ला करके बैठ कर देखिए कि 80% सिलेंडर द्वारा नहीं भरे गए हैं। उजाला ये आप देख लीजिएगा इसको। अरे मैं देख क्या लिया हूँ, आप 80% आप ही के सरकार क्या आंकड़ा है? इरफान जी आप जान जाइए, आज हमारा मुद्दा ये नहीं है, भरे गए हैं। आज हम बात कुछ और कर रहे हैं, हम उन फिल्मी सितारों की बात कर रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए नहीं होते, जनता की परेशानियां नहीं जानते, लेकिन उसके बाद भी जनता उन्हें चुनकर संसद तक पहुंचा देती है और 5 साल के लिए फिर वो जनता को भूल जाते हैं। आखिर क्यों इतनी भागीदारी बढ़ाई जा रही है? देखिए देखिए फराज जी, एक चीज मैं कहूंगा आपसे,
कि कई बार होता है कि जब जो सांसद होता है वो देश का होता है, मान लीजिए उसका जिले से टच नहीं है और पार्टी ने मौका दिया या जनता ने मौका दिया, तो उसका फर्ज बनता है कि वो पार्टी के जितने जो है जनता के बीच के लोगों के बीच में जाए और उनसे बाकी किसी पार्टी से जुड़ा हो, अगर वो जनता के बीच में नहीं जा रहा है तो उसको बाहर कर देना चाहिए। अभी आपने कहा कि हमारे भाई ने कहा कि जो सांसद होता है वो देश का होता है, बेशक, लेकिन जिला की तमाम कमेटियों की निगरानी समिति है, तमाम समिति है जिसकी सांसद ही अध्यक्षता करता है, और ऐसे सांसद जो है वो जिले में दोबारा वापस नहीं आते हैं, इस तरह से तमाम कमेटियों में बैठक नहीं हो पाती, इसलिए जिले का विकास ठप हो जाता है, ये देखा हुआ अनुभव का मामला है। शौकत जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, कहिए। स्वास्थ्य मेले मेरा लगता है और सारी चीजें लगती है, यही सांसद जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं, यही यही सांसद जो है जिले की निगरानी कमेटी के साथ वो होते हैं, यही यही सांसद तमाम कमेटियां जो जिले के विकास की कमेटी होती है उसके होते हैं, लेकिन इनको जब पता नहीं होता है कि ये रोड कहां से कहां जाएगी, ये नाला कहां से कहां निकलेगा, ये नदी कहां से कहां जाएगी, तो फिर जिले के विकास के बारे में क्या बात करेंगे। देखिए फरहा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कहीं ना कहीं, एक चीज तो आपने दोहराई है। देखिए जब नेतृत्व की कमी है कहीं ना कहीं तब ये फिल्म स्टार लाए जाते हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि हमारे जो लीडर्स हैं या जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं वहां चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जो व्यक्ति वहां चुनाव लड़ रहा है वो बहुत प्रभावशाली है क्योंकि वो ग्राउंड पे है और कार्यकर्ता सही में ग्राउंड पे है, हमारे यहाँ जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो ग्राउंड के लोग हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग जो है ग्राउंड पे नहीं रहे, तो इनको सच्चाई से कहां से चीजें पता हो जाएंगी, जो ग्राउंड पे धरातल पे जो चीजें खराब रही हैं वो इनको जानकारी नहीं होगी, तो अगर इनसे कोई पूछेगा भैया हमारी जो सड़क है वो यहां से यहां तक खराब है, तो ये पूछेंगे ये है कहां, तो कार्यकर्ताओं के बीच भी असमंजस रहता है, कार्यकर्ता समझा नहीं पाता है क्योंकि ग्राउंड पे आप रहे नहीं, उस लोकसभा के आप निवासी नहीं, तो बहुत सारी विसंगतियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो वहां प्रत्याशी को समझाने में बहुत दिक्कतें आती, और खासकर तब ये चीज होती जो ग्लैमर वाला व्यक्ति होता है, जो क्योंकि रंगमंच की दुनिया से आया हुआ होता है, उसको समझने में बहुत सारी दिक्कतें आती क्योंकि राजनीति जो है वो अलग एक पैटर्न है और फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से अलग है। देखिए आप कैमरे के सामने चीजें जो करते हैं वो हकीकत में नहीं होती, लेकिन आप धरातल पे आएंगे तो आपको हकीकत से अवगत होना पड़ेगा, वहां कई चीजें आपको सुननी भी पड़ेंगी, जनता आपसे डायरेक्ट संवाद करेगी तो तीखे सवाल भी करेगी, तो आप उन तीखे सवालों को कैसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे जवाब देंगे, ये बड़ी चीज होती है। तो जो पार्लियामेंट जो यहां से अगर गलती से मान लीजिए कोई पार्लियामेंट पहुंच भी जाता है तो इसीलिए वो पार्लियामेंट एंट्री नहीं दर्ज करा, अपनी जो उपस्थिति होती है वो दर्ज नहीं करा पाता है, तो उपस्थिति इसलिए नहीं दर्ज करा पाता क्योंकि वो जनता से संवाद नहीं करता, पांच साल तक उसको यही नहीं पता होता कि हमारी सड़क बनी कौन सी नहीं बनी, कौन हमने नहीं कौन सी बनाई, कौन सी हमने नाली बनाई कौन सी नहीं बनाई, जनता ने हमसे क्या सवाल किया, हमारे जो लोकसभा क्षेत्र में वो जरूरत क्या है किस चीज की, हमें क्या करना है, क्या प्रपोजल हमारा है, क्या कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो लगाने से हमारे लोकसभा क्षेत्र में अच्छी दिशा मिलेगी, लेकिन उसको जानकारी नहीं होती, इसीलिए पार्लियामेंट में उपस्थिति कम होती है। तो ये सही है आपकी बात फराजी, कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है, आज इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, नेतृत्व की कमी है, इसीलिए इन लोगों को लाया गया ताकि एक ग्लैमर का चेहरा होता है, और वोटर्स भी बहुत प्रभावित होते हैं इससे, कई बार आपने देखा, हमको अभी तक याद है सुनील दत्त जी चुनाव लड़ रहे थे वो दौर भी मैंने देखा, प्रिया दत्त के चुनाव क्योंकि मुंबई के अंदर मैं भी रहा हूँ, और गोविंदा के चुनाव में भी मैं ट्रेनों में बड़ा सफर किया हूँ, लोकल ट्रेनों में, तो देखा गोविंदा जी जब चुनाव जीते थे तो उसकी वजह ये नहीं थी कि ये ग्राउंड के बहुत अच्छे लोग, वो ग्लैमर था उनका, और ग्लैमर जब जीत कर पार्लियामेंट पहुंचा तो क्या हुआ, अंत में जनता वही की वही ठगी हुई महसूस कर रही थी, तो इसलिए कोशिश ये होती है कि जो ग्राउंड का आदमी हो, जनता के बीच का आदमी हो, उसको पार्लियामेंट भेजने काम कर जनता हूं। फराजी जी, भाई साहब ने अभी जो है बात करी जो है धरातल की, देखिए ये पूरा विश्व हमारा लोगों का परिवार है और भारत तीसरी शक्ति बन चुका पिछले 5 सालों में विश्व पे, तो धरातल की जहां तक बात है तो एक भाजपा ही ऐसी है जहाँ परिवारवाद नहीं है, ना मुलायम सिंह जी का परिवारवाद और ना मायावती जी की। अरे भाई क्यों नहीं है ये बताइए, राजनाथ सिंह के बेटे जो है वो पंकज सिंह के है राजनीति में कि नहीं राजनीति में है? नहीं, आप एक बच्चे से आप बताइए, कल्याण सिंह के बेटे हैं राजनीति में कि नहीं राजनीति में है? चलिए वो टॉपिक आप बताइए, आप बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी संघमित्र मौर्य का नाम है राजनीति में कि नहीं राजनीति में है?
हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी के परिवार का आप दृष्टिकोण नरेंद्र मोदी आप सीख लीजिए भाई। अब नरेंद्र मोदी जी के पास जब परिवार ही नहीं है तो परिवारवाद कहां से आएगा? बात आप कर रहे हैं, जब उनके पास परिवार ही नहीं है तो उनके पास कहां परिवारवाद आएगा? क्या खाली बीवी पत्नी परिवार नहीं? कहां से परिवारवाद की बात कर रहे हैं? पान जी मानवी जी, क्या बात कर रहे हैं? परिवारवाद की बात नहीं कर रहे हैं, जड़ वो होते हैं। अरे आप कर रहे हैं ठीक ना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ग्लैमर के चेहरे आते हैं, ये मिनरल वाटर से स्नान करने वाले लोग जो हैं, वो कुएं के पानी का स्वाद क्या जानेंगे कि गांव की जनता दूषित पानी पानी कैसे पीती है? उनको उनको क्या पता होगा जो मिनरल वाटर से नहाते हैं? सवाल यह है कि गांव के जो ग्रास रूट, जो गांव की बेसिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं से कैसे ये अवगत होंगे? ये कैसे वो जानेंगे कि गाँव में कैसे क्या परेशानी होती है, किसान कैसे मारा जा रहा है, किसान कहां पे उसके उसके खिलाफ कहां पे साजिशें होती हैं, ये नहीं समझ पाएंगे। उनको ये नहीं पता है कि गन्ना कब बोया जाता है, उनको ये नहीं पता है कि धान और गेहूं कब कब बोया जाता है, उनको ये नहीं पता है कि बाजरा और जनवरी कब बोई जाती है, उनको ये नहीं पता होता है। और किसी खेत में पहुंच करके एक्टिंग करना ये अलग बात है, लेकिन किसानों की जनता के बीच में, गरीबों के बीच में आपकी पार्टी अभी नहीं है, आगे आने वाली में 12 बजे जो बीमार होता है तो राजनीतिक कार्यकर्ता ही होता है जो डॉक्टर के यहाँ लेकर के उसको पहुंच जाता है, उस गरीब आदमी को और डॉक्टर के पास। इन 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 निष्ठारों के पास से कौन कौन पहुंच पाएगा, अपनी समस्या कौन कह पाएगा? सवाल इसका है। जिस तरह से आप यहाँ पर इतने तेजी के साथ अपनी बात रख रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या आपकी पार्टी नहीं इस तरह के चेहरों को लाएगी? फरादी की आवाज नहीं आ रही। इरफान जी क्या आने वाले वक्त में आपकी पार्टी बॉलीवुड के सितारों को नहीं लाएगी अपनी पार्टी में? अभी तो नहीं है आपकी पार्टी। फराजी आपकी आवाज नहीं आ रही है, माफी चाहूंगा। शौकत अली आपको आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो सवाल वही है कि जनता के बीच जिन लोगों की पहुंच ही नहीं है, आखिर ऐसे लोगों को क्यों लाया जा रहा है? उन मेहनती कार्यकर्ताओं को पार्टी आगे क्यों नहीं बढ़ा रही जिन्होंने पार्टी के लिए इतना सब कुछ किया? और एक बार फिर से जुड़ेंगे अपने मेहमानों से, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आपको बता दें कि बॉलीवुड में, राजनीति में बॉलीवुड की एंट्री आज से नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की एंट्री बहुत पहले से है और कई नामी हस्तियां बॉलीवुड की राज्यसभा में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं। उनमें पृथ्वीराज कपूर, नरगिस दत्त, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, लता मंगेशकर, श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, शबाना आजमी, रेखा, जया बच्चन, दारा सिंह और जावेद अख्तर जैसे नाम शामिल हैं जो राज्यसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। तो बता दें आपको कि इन लोगों को ठीक से यह भी नहीं पता होता कि सांसद निधि का ठीक से इस्तेमाल किस तरह से करना है या क्षेत्र के दौरे कर लोगों से कैसे संपर्क करना है। ज्यादातर फिल्मी सितारे इसमें नाकाम रहते हैं। वैसे ये समस्या उत्तर भारत के फिल्मी सितारों के साथ ज्यादा बड़ी नजर आती है, क्योंकि दक्षिण भारत के फिल्मी सितारे राजनीति में घुल मिल जाते हैं। एनटी रामाराव की बात करें, एम जी रामचंद्रन या फिर जयललिता की बात करें, हाल ही में राजनीति में आए चिरंजीवी की बात करें, ये तमाम फिल्मी सितारे जनता के बीच जाकर जनता के ही हो गए, जबकि बॉलीवुड के सभी सितारों के साथ ऐसा नहीं है। उत्तर भारत में जनता का दिल जीतने वाला एक ही बड़ा सितारा लोगों को आज भी याद है, वो थे सुनील दत्त। और वो इसीलिए क्योंकि राजनीति में आने के बाद वो लोगों के ही होकर रह गए थे। शौकत जी, सवाल मेरा यही था कि ऐसे कुछ बहुत कम नेता होते हैं जो राजनीति में आके जनता के लिए कुछ करते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह से बॉलीवुड की एंट्री हो रही है, जब जनता को जान ही नहीं पाएंगे, समस्या समझ ही नहीं पाएंगे, तो आखिर हल कैसे करेंगे? तो ऐसे लोगों को क्यों इतना आगे किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है जो जी जान लगा देते हैं पार्टी के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं आप सही कह रही हैं फराजी, कहीं ना कहीं मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि लीडरशिप की कमी है भाजपा के पास, इसीलिए फिल्म स्टारों को उतार रही है। शौकत अली साहब, एक मिनट, आपको रोकना चाहूंगी। कहीं ना कहीं ये लीडरशिप का दमन भी है। शौकत अली साहब, आपको रोकना चाहूंगी, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही, कांग्रेस भी उसमें शामिल है और दल भी ऐसे है, और आपकी पार्टी भी जयप्रदा को लेकर आई थी, क्या नेतृत्व की कमी थी तब? नहीं, मैं
मैंने फरहा जी इस बात को पहले ही दोहरा दिया, जो जनता के बीच निरंतर संवाद साधे रहे या ग्राउंड पे आके काम करे उसका स्वागत करता हूं मैं, और हमारी पार्टी भी ऐसे लोगों का स्वागत करती है। लेकिन ऐसे लोगों का नहीं स्वागत होना चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टी में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए जो आए तो ग्लैमर की दुनिया से। यहां ग्लैमर देखिए, हम आपका ग्लैमर नहीं देखना चाहते, हम आपका काम, जनता आपका काम देखना चाहती है। जनता क्योंकि आपके ग्लैमर के भ्रमित होकर वोट तो दे देती है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे नहीं हो तो वो जनता ठगी हुई महसूस करती है और इससे पार्टी की छवि भी धूमिल होती है कहीं ना कहीं। तो हम इस चीज को भली भांति मानते भी हैं और एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको, चाहे जया प्रदा जी हो, जया बच्चन जी हो, अब जया बच्चन जी को आप ले लीजिए, जब से वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे कार्यकर्ताओं की बात करने की बात आए या मंच पे कार्यक्रमों में पहुंचने की बात है, लगातार जनता के बीच रहती हैं और अपने सांसद निधि से लगातार काम भी कराती रहती हैं। तो और उन्हें हल करना दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, जनता के बीच समस्याओं का समाधान भी करती है, ऐसा नहीं कि जनता के बीच अगर हम कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं तो हम समझते हैं कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं हमसे अपेक्षा से जुड़ा हुआ और वो अपनी नाली खड़ंजा की समस्या हमारे पास लेके आया है तो बताएगा। तो हमारा पहला जो पहला सवाल यही होता है कि हम कितना जनता के बीच संवाद साधे रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच रह के जन समस्याओं को जानने का काम करते हैं। तो जया बच्चन जी हमारे यहां जो है समाजवादी पार्टी में तो ये करती है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा जी हों, राज बब्बर जी हों या अन्य भी कई लोग हैं जो इस चीज जनता के बीच संवाद साधे रहते हैं, काम करने का काम करते हैं। देखिए उसमें क्या होता है कि जनता ठगा हुआ महसूस नहीं करती। ये अगर इन लोगों की जो नए चेहरे आए, आप सनी देओल जी को ले लीजिए, आप मान लीजिए इन केस ये चुनाव जीत के पार्लियामेंट पहुंचते थे कि क्षेत्र में दोबारा जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, तो क्षेत्र की जो जनता होती वो 5 साल और पीछे चली जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी नाली खड़ंजा सड़क किसानी या और भी अन्य चीजें जो आती हैं वो उनको पता ही नहीं होती हैं, और बताने के लिए उनके पास जाएगा कौन, जो उनके प्रतिनिधि होते वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा दायरा होता है और वो इतना फ्री नहीं होते हैं कि हर 10 मिनट बाद आपका फोन उठाएंगे, हर 10 मिनट बाद आपकी बात सुनेंगे। देखिए एक सांसद के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है, क्षेत्रीय विधायक भी आपको घंटी बजाएंगे, प्रधान भी आपको घंटी बजाएगा, BDC भी आपको घंटी बजाएगा, और क्षेत्र की जनता भी आपको बार बार फोन करके अपनी समस्या से अवगत कराएगी। तो इतना समय तो इनके पास होता नहीं, चुनाव में 2-4-5-10 महीने के लिए आते हैं और ग्लैमर की दुनिया के क्योंकि होते हैं तो घूम घूम के हाथ हिला के और चुनाव जीता और पार्लियामेंट पहुंच गए। लेकिन अगर धरातल पे आएंगे, असल जिंदगी में आएंगे तो काम करना पड़ेगा, और काम इनसे नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं मैं ये बार बार कहता हूं कि उन लोगों का स्वागत होना चाहिए जो जनता के बीच संवाद साधे रहते हैं, हमारे यहां हो या किसी और के यहां हो, लेकिन ऐसे लोगों का बिल्कुल स्वागत नहीं होना चाहिए जो आए और चुनाव लड़े, पार्लियामेंट भी ना जाए और जनता की बात भी ना करें। तो उसमें ये लोग शामिल हैं जैसे गौतम गंभीर, रवि किशन जी, निरहुआ जी, सनी देओल जी, ये लोग शामिल हैं उस लिस्ट में, ये सब नहीं जाएंगे जनता के बीच। हो सकता है वो भी जाए जैसे जय प्रदा और जय बच्चन गई हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैंने गोविंदा जी को चुनाव लड़ते हुए और उनके साथ घंटों खड़े होकर प्रचार करते हुए देखा है। मैं भी उस ट्रेन से रोज सफर करता था और गोविंदा जी अक्सर मुझसे टकरा जाते थे। मैं उम्मीद लगाता था उनसे कि जब ये सांसद बन जाएंगे तो इसी तरह लोकल ट्रेन में जो चलने वाला यात्री है उसकी समस्या को भलीभूत समझेंगे और पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठाएंगे और व्यवस्थाओं को सही करने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में था, उस वक्त मौजूद था और 5 साल का कार्यकाल भी मैंने उनका देखा है। लेकिन जब वो जीत कर चुनाव पार्लियामेंट पहुंचे तो हुआ नहीं, उसका उल्टा हुआ। तो ये उदाहरण था, उल्टा 5 साल जनता और पीछे हो गई, समस्याओं से और जूझने लगी। तो ये होता है, तो ऐसे लोगों को राजनीति पे आना चाहिए, मैं उनका स्वागत करता हूं जो जनता की मूलभूत समस्याओं को समझते हो, जानते हो। अब प्रिया दत्त जी की बात ले लीजिए, सुनील दत्त जी की बात लीजिए, मैंने दोनों के कार्यकाल को भी देखा है वाली बात ही। वो जनता के बीच निरंतर संवाद, छोटे से छोटा कार्यक्रम हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, यदि उनके दरवाजे पहुंच जाता था उसकी समस्या को बखूबी सुना जाता था। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उदाहरण मैं दे दूंगा। ऐसे लोगों को राजनीति में आना हो, उनका वेलकम है, उनका स्वागत है। हाँ, फराजी, पहली चीज जो लोग आए नहीं अभी तक उनके लिए टिप्पणी कैसे करी जा सकती है? आए हैं, मौका दीजिए। देखिए क्या हमारी तो इच्छा है ना, सबकी इच्छा है, आपकी इच्छा होगी कि देश की सेवा करें, जनता की सेवा करें, तो मौका तो मिलिए, पहले से कैसे उंगली उठा रहे हैं? ना काम करे, मैं फिर से समर्थन करता हूं, कोई ना काम करे, चाहे जिस पार्टी को निकाल बाहर कर देना चाहिए। जी कहिए इरफान जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए फराजी, एक चीज बड़ा हो रहा है, राज बब्बर जी जो हैं वो प्रदेश के बड़े बड़े नेता हैं और मैं मानता हूं कि राज बब्बर जी अपने कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह से, लेकिन राज बब्बर जी भी सांसद जो है, एक क्षेत्र से सांसद होने के बाद दोबारा उस क्षेत्र में नहीं गए। आगरा से अगर वो सांसद हुए तो फिर दोबारा आगरा नहीं गए,
फिरोजाबाद से अगर वो सांसद हुए तो दोबारा फिरोजाबाद नहीं गए, तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो जनता से कट जाते हैं और जनता उनकी असलियत को जान जाती है, इसलिए वो दोबारा उस क्षेत्र में नहीं जाते हैं, फिर दूसरा क्षेत्र पकड़ लेते हैं। इस तरह के तमाम लोग जो है, आप मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं राज बब्बर जी, और राज बब्बर जी का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि वो लगातार प्रदेश के बड़े नेता है और वो अपने लोगों को बहुत अच्छी तरह से बड़ी मेहनत करते हैं, वो राजनीति में समय भी देते हैं, लेकिन जहां तक जनता की बात है, सवाल उसका बात है, वो एक मरतबा जहां से सांसद हो गए दोबारा वहां नहीं गए, क्योंकि ये ग्लैमर का मामला होता है, हो तो जाते हैं। इरफान जी आपकी नई नई पार्टी, तो राज बब्बर जी को बार बार अपनी सीट बदलनी पड़ती है। इरफान जी, नई नई आपकी पार्टी है, क्या आप आगे आने वाले टाइम में इस तरह से बॉलीवुड को एंट्री नहीं देंगे अपनी पार्टी में? इसका मतलब ले, हमारे साथ अगर कोई फिल्मी स्टार उसका स्वागत रहेगा, लेकिन हम उसको राज्यसभा विधान परिषद भेजने का काम करेंगे, जनता के बीच में नहीं लाएंगे। जनता के बीच में उसके ग्लैमर का फायदा अगर उठाना होगा हमको, तो प्रचार बना करवाएंगे, स्टार प्रचारक बना करके, लेकिन इनको राज्यसभा विधान परिषद दिया जाएगा, विधान परिषद भेज दिया जाएगा, बिल्कुल बात है। क्या अगर अगर वो मेरे लिए काम कर रहा है आपको पता नहीं है, राज्यसभा विधान परिषद में कलाकारों के लिए, बड़े साइंटिस्टों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही वो भाई, उम्र बड़े हो आप, पहली चीज पता करिए, बड़ा सदन सदन जो बनाया गया है, उच्च सदन जनता के लिए, उच्च सदन किस लिए बनाया गया है कि ऐसे लोग जो जनता के बीच में काम ना कर सकते और देश के लिए काम करना चाहते हैं, उनको उच्च सदन में भेजा जाता है, यही उच्च सदन में सीटें आरक्षित होती है उनके लिए, कलाकारों के लिए सीटें आरक्षित हैं। आपकी जानकारी कम है, जिसको पता कर लीजिए, संविधान के आप जो बार बार फोकस कर रहे हो, कलाकारों को हम राज्यसभा और विधान परिषद में, बिल्कुल बिल्कुल उनको जाना चाहिए, विधान परिषद राज्यसभा ऐसी जगह जाना चाहिए, जनता के लिए होता है, बात नहीं जनता के लिए होता, इससे जनता का काम करते हैं, और वो जो जनता के लिए जो प्रधान से चुन के आते हैं, जो लेकिन जो नामनी होते हैं, नामनी का जनता से कोई सरोकार नहीं होता, नामनी से जनता का कोई सरोकार नहीं होता है, डायरेक्ट जनता का कोई सरोकार नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, नामनी का बिल्कुल जनता से कोई सरोकार नहीं, हर इंसान से जो है बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट जनता का कोई सरोकार नहीं होता है, डायरेक्ट जनता का कोई सरोकार नहीं होता है, आप पता करिए, नामनी के किए जाते हैं, करिए, कोई विधेयक पास नहीं हो सकता है बिना लोकसभा राज्यसभा के बिना, विधेयक अलग बात है, लेकिन नामनी होते हैं जनता से, उनको जनता से कोई, जनता नहीं नामनी करती है उनको, राष्ट्रपति या राज्यपाल नामनी करता है, ये आपको पता होना चाहिए, हम जनता नहीं चुनती है, लेकिन आपको शोभा नहीं देता है जो आप, नहीं मैं बिल्कुल शोभा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ये नहीं शोभा देता है कि कलाकारों को ला करके और जनता को बेवकूफ बनाया जाए, तीनों नेताओं क्षेत्र के विकास पे रूट से आने वाले कार्यकर्ताओं को जगह देनी चाहिए, ये नहीं शोभा देता है, फिल्मी सितारों को जगह देनी चाहिए, ये बताइए आप पहले जी, तीनों नेताओं से मेरा एक ही सवाल है कि ग्रास रूट से आने वाले कार्यकर्ताओं को सबसे पहले जगह देनी चाहिए राजनीति में, जिन्होंने जनता के बीच जाकर काम किया है, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, जगह उन्हें मिलनी चाहिए या फिर जगह उन्हें मिलनी चाहिए जो क्षेत्र को समझते ही नहीं, जिनका इस सबसे कोई सरोकार नहीं है? पहले कार्यकर्ताओं को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई कलाकार इस काबिल है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। मानक क्या है इसका, कैसे तय करेंगे कि ये कलाकार इस लायक है? हाँ, ये बिल्कुल सही आपने सवाल किया, मानक क्या है, काबिलियत का मानक क्या है? देखिए, काबिलियत का मानक ये है कि जो जनता के बीच में काम करके ज्यादा काम कर रहा है, पहले मौका उसी को मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। रवि किशन ने और निलावा ने जनता के बीच जाकर कौन सा काम किया, इसका जवाब दीजिए। जो रात दिन जनता के लिए जिए उसको पहले मौका मिलना चाहिए। फराजी, पहले इन कलाकार, अगर कलाकार राजनीति करना चाहते हैं तो पहले आकर के 5 साल उस क्षेत्र में काम करें, जनता के दुख दर्द को पहचाने, उसके बाद फिर कहना चुनाव लड़ें। लेकिन तुरंत एक दिन पहले आते हैं और पर्चा दाखिल किया और 10 दिन में जनता का नाम ग्लैमर के उसमें जनता जो है चुनाव जिताकर भेज देते हैं, उसके बाद वापस आते नहीं, अच्छे तो चेंज कर देते हैं। कहने की बात है, सारी पार्टियां सब कलाकारों को मौका दिए हैं, सिर्फ बीजेपी नहीं, सबको मौका मिला है, इसीलिए तो सवाल उठा रही हूँ, मेरा सवाल सिर्फ आपसे नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप कह रही हैं, लेकिन हाँ मैं फिर से कह रहा हूँ कि चाहे कलाकार हो चाहे जो हो, अगर वो काम करने की इच्छा रखता हो करता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। तो क्या निरहुआ ने, क्या रवि किशन ने, सनी देओल ने काम करने की इच्छा जताई थी पार्टी से जो उन्हें मौका दिया पार्टी ने? ये बताइए, क्या
कलाकार होते ही, बॉलीवुड के कलाकार होते हुए, क्या इस देश के लिए सनी देओल ने क्या विश्व स्तर पे कुछ काम नहीं किया क्या? ऐसे तो बहुत सारे हैं, पहले काम बताइए उन्होंने काम क्या किया, आपकी नजर में कौन सा ऐसा काम है? देखिए, अभी मैंने आपको पहले एक नाम लिया था, अक्षय कुमार जी का। अच्छा, कुमार जी अभी राजनीति में नहीं आए हैं? नहीं आए। आप जो राजनीति में आए हैं उनके उनके बारे में बताइए। देखिए, जिसको आपने टिकट दिया पहले उनके बारे में बताइए। सनी देओल जी के लिए बता रहा हूँ, पहले आप बताइए उनके बारे में। बता रहा हूँ, अक्षय कुमार को क्यों नहीं आपने? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, सुनिए आप। सनी देओल का क्या है? बता रहा हूँ, जमीनी आदमी है, उनके गांव में जो है उनके पिताजी आज भी खेती बाड़ी करते हैं, भले उनके पास इतना पैसा हो। 10-10 सेकंड में तीनों लोग इस बात का जवाब दीजिए, फिल्मी सितारों की एंट्री कितनी सही लगती है, उन्हें जगह मिलनी चाहिए या पार्टी कार्यकर्ताओं को? देखिए फराज, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन हाँ ये सच्चाई है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, यदि कोई कार्यकर्ता उस योग्य है तो चुनाव लड़ना चाहिए, पहली प्रायोरिटी कार्यकर्ता को दे देनी चाहिए। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कोई फिल्म स्टार आता है और वो इच्छा व्यक्त करता है अपनी कि हम भी आपके संगठन और आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर मैं आया हूँ आपकी पार्टी में और जनता से संवाद साधना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम उन पर भरोसा करते हैं, उनको चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है, फराज जी पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, फराज जी इसका कई उदाहरण भी हैं, चाहे वो राज बब्बर जी हों या और भी हमारे यहाँ जो आए, वो आज तक लगातार निरंतर बड़े हुए जनता के बीच, हमारी पार्टी में है या नहीं है, हमारी पार्टी में है या नहीं है इसका विषय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने उनको मौका दिया और लगा कि वो जनता के बीच काम कर सकते, इसलिए वो आज कहीं ना किसी दल में काम कर रहे होंगे। तो हाँ, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव सभी को लड़ाया जा सकता है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मैं सहमत हूँ इस बात से कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन हाँ मैं फिर से यही बात कह रहा हूं कि मौका मिलना चाहिए अगर कोई काम करना चाहे। हाँ, नो डाउट, अगर काम नहीं कर रहे हैं, निकाल के जनता बाहर कर देती है, जनता में बहुत ताकत है। यानी 5 साल तो बर्बाद हो गए ना पहले, इरफान जी आप बताइए। देखिए, मेरा ये कहना है अगर कलाकार वाकई में चुनाव लड़ना चाहते हैं और जनता द्वारा चुन करके जाना चाहते हैं तो पहले आकर के उनको क्षेत्र में काम करना चाहिए, एक दिन में नहीं आना चाहिए। और ऐसे लोग जिनको सिर्फ पार्टियां इसलिए टिकट दे देती हैं कि जीत करके आएंगे, हमारी एक सीट बना देंगे, तो ये पार्टियों का ये गलत नीति है, इसकी निंदा होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे तीनों मेहमानों का। तो फिल्मी कलाकार राजनीति के जरिए सरकारी सम्मान पाने के लिए सियासी मैदान में कूदते हैं, तो राजनीतिक दल इन सितारों का इस्तेमाल रैलियों में भीड़ जुटाने और इनके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए करते हैं। इन सितारों की चमक बड़े पर्दे तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि भारतीय राजनीति भी सितारों की चकाचौंध से अछूती नहीं है। राजनीति में फिल्मी सितारों का कदम रखना कोई नई बात नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी फायदे के लिए फिल्मी सितारों का इस्तेमाल करती रही हैं। चुनाव में प्रचार के लिए उतरे सितारों से भीड़ खींची चली आती है और जब खुद सितारे उम्मीदवार हों तो कहने ही क्या, सितारों के आकर्षण के चलते उनकी जीतने की उम्मीद काफी रहती है, इसलिए कोई भी पार्टी उनका मोह त्याग नहीं पाती। लोकसभा चुनाव 2019 में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है और शायद यही वजह है कि राजनीति के फलक पर ऐसे कई सितारे हैं जो अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्मी सितारे अपनी चमक बिखेरेंगे या फिर चुनाव के बाद फीके पड़ जाएंगे। फिलहाल लोकतंत्र में मेरे साथ इतना ही, खबरों का सफर रहेगा जारी, देखते रहिए नेशनल लाइव, नमस्कार। गुस्सा आवत है, महंगी डिग्री के बावजूद हमें नौकरी के लिए दर दर भटके को पड़त है। अरे गुस्सा आवत है, जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का वादा किया जाते है। आज भी याद है हमें, हाथ जोड़ कर कर्जा लिए रहे पापा, सोचा रहा नौकरी कई के का बोझ हल्का कई दूंगा, पर आज तो खुद ही बोझ बन गया हूँ। भैया, हम उत्तर प्रदेश के युवा है और रोजगार के झूठे वादे करने वाली दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार पर अब हमें गुस्सा आवत है। यूपी कांग्रेस। मनुष्य का जीवन कठिन है, उसे जरूरत है दिशा की, अध्यात्म से मिलेगा ज्ञान।
देखिए आध्यात्म दर्शन नेशन लाइव।